जी न्यूज इंडिया की खबर का असर, बिजली विभाग के XEN को किया APO, भेजा भरतपुर। अब तलवार कनिष्ठ अभियंता पर भी लटकेगी। 1 लाख की रिश्वत मांग उपभोक्ता को 2 महीने अंधेरे में रखने का लगा था आरोप। दौसा में बिजली विभाग के XEN BL मीना की तानाशाही के कारनामे सामने आने के बाद विभाग ने उच्च स्तरीय कार्यवाही करते हुए इन्हें APO कर भरतपुर लगा दिया है। हालांकि इसी मामले में लिप्त अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही होना अभी बाकी है। सूत्रों के अनुसार विगत नवंबर माह में मारुति कॉलोनी में एक स्कूल भवन से अनावश्यक रूप से मीटर को उतारकर VCR भरने का भय बताकर उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के फेर में लगभग 2 महाविद्यालय भवन में अंधेरा कायम कर दिया था। उपभोक्ता के भवन से मीटर उतारने से लेकर वापिस लगाने तक कोई भी कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई और इससे विभाग की खूब किरकिरी भी हो चुकी है। सहायक अभियंता ने भी इस मामले में अधीनस्थ कर्मचारियों को दोषी मानते हुए आगे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। बता दें, विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा जब किसी उपभोक्ता के प्रथम बार VCR भरने के बाद दोबारा चोरी करते पाए जाने पर उस उपभोक्ता के खिलाफ निगम द्वारा बिजली पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा दी जाती है, लेकिन इसी तरह की कार्यवाही निगम इन FIR करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ नहीं करती है, क्योंकि अभी एक उदाहरण देखने को मिला है, दौसा अधिशासी अभियंता बनवारी लाल मीना का। इसको निगम ने अभी कुछ माह पूर्व RA PDRP मामले में दोषी मानते हुए चार्जशीट जारी की थी और इन्हें पुनः सरस्वती स्कूल प्रकरण में दोषी माना गया है। हालांकि निगम के नवनियुक्त MD नवीन अरोड़ा अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और उन्हें एक्शन लेते हुए XEN BL मीना को APO कर हाई और उन्होंने एक्शन लेते हुए XEN BL मीना को APO कर हेडक्वार्टर भरतपुर कर दिया है। लेकिन देखना यह है कि क्या ऐसे अधिकारियों को निगम बस APO ही करता है या फिर कुछ ठोस कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि दोषा अधिशासी अभियंता BL मीना लगातार 2 बार दोषी साबित हो चुके हैं। उनको सरस्वती स्कूल की घटना कल मेरे जो है ध्यान में आई है कि इस तरह से किसी कंज्यूमर के किसी उपभोक्ता को हमारे सबॉर्डिनेट अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से परेशान किया गया। श्रीमान जी, मुझे अखबार के द्वारा पता चला कि एक्शन BL मीणा को उपयोग कर दिया, लेकिन अभी तक अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने भी कोई कार्यवाही नहीं की और मेरी संस्था 65 दिनों तक विद्युत सप्लाई से में बंद रही, उसका मुझे बिजली निगम के द्वारा अभी तक कोई उचित मुआवजा नहीं दिया। कमलेश सैनी, सरस्वती स्कूल, दौसा।